यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों. बच्चों, इस सेगमेंट में आई एम गोइंग टू टेल यू द लॉन्ग क्वेश्चंस व्हिच इज़ बेस्ड ऑन यूनिट हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स. है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. ठीक है, देखिए यहाँ पर यह क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, इसका फार्मूला क्या है, C4H9Br. है ना, ये क्वेश्चंस बच्चों बहुत ध्यान से देखने वाले होते हैं. यहाँ पर हम जल्दबाजी नहीं कर सकते, आपको वी हैव टू यूटिलाइज अवर माइंड. प्राइमरी एल्काइल हैलाइड C4H9Br जो ए है, रिएक्टेड विथ एल्कोहलिक KOH टू गिव कंपाउंड बी. है ना, ए जो है वो एल्कोहलिक KOH से रिएक्ट करके कंपाउंड बी दे रहा है. विच रिएक्ट्स विथ, विच मतलब वो बी जो बना, बी रिएक्ट्स विथ HBr टू गिव कंपाउंड सी. बी जो है HBr से रिएक्ट करता है, HBr से रिएक्ट करता है और कौन सा कंपाउंड दे रहा है, सी दे रहा है. सी जो है क्या है, विच इज एन आइसोमर ऑफ ए. सी जो है ए का आइसोमर है. है ना, व्हेन ए रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल, ये जो आपका ए बना, जब ये सोडियम मेटल से रिएक्ट करता है, इट फॉर्म्स कंपाउंड डी. ये डी बनाता है, ये डी का मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा, डिफरेंट फ्रॉम एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड. ये जो डी है, ये जो व्हेन ए रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल गिव्स कंपाउंड डी डिफरेंट फ्रॉम एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, मतलब वो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड तो नहीं होगा, गिव स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ए. है ना बच्चों, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा. सबसे पहले हम ये देखें कि ए क्या होना चाहिए. तो अगर आप ए की बात करते हैं, हम इसको सॉल्व करना चालू करते हैं कि ए क्या होना चाहिए. यहाँ पर ए क्या होना चाहिए, तो बच्चों ए दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो हो सकता है CH3CH2CH2CH2Br. है ना, अगर आप इसको डिटेल में नहीं लिख पा रहे तो आप दिमाग लगाइए, कितने कार्बन है, चार कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, और यहाँ जोड़ दीजिए Br, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड. कार्बन की वैलेंसी ये हो गया तीन, तीन और एक चार, दो, दो दो चार, दो, दो दो चार, और दो, दो दो चार. तो जो ये है कैपिटल A, या तो ये हो सकता है ना, या ये जो कैपिटल A है ये हो सकता है CH3. चार हम ऐसा भी बना सकते हैं, कैसे, एक, दो, तीन, चार और Br, ये भी हो सकता है. यहाँ CH3, ये CH, ये CH3, ये CH2Br. यानी जो आपका A है बच्चों, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है. अब दिक्कत ये कि इन दोनों में से हमारा जो A होगा वो क्या होगा, ये फर्स्ट वाला होगा जिसको हम बोलते हैं N ब्यूटाइल ब्रोमाइड कहते हैं, ये होगा, या यहाँ पे आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड. दोनों में से कौन सा होगा, अब दोनों में से कौन सा होगा, आप यहाँ देखिए, ये दिया हुआ है, थोड़ा दिमाग लगाइए. When A reacts with sodium metal, gives compound D, C8H18, different from N-butyl bromide. अब देखिए, दोनों की पहले sodium metal से reaction करवाइए, दोनों की, N-butyl bromide की भी और इसकी भी, तभी हमें पता चलेगा कि A कौन सा होगा. चलिए चलते हैं, अब देखिए, दोनों की करवाते हैं. ये पहला step clear हो गया, अभी हमने ये, हमारा A नहीं निकला अभी. अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अलग करने के लिए मैं ब्लैक पेन का यूज़ करता हूँ ताकि आपको इंटरमिंगल ना हो रिएक्शंस. अब देखिए, दोनों की हम सोडियम मेटल से रिएक्शन करवाते हैं, 2 CH3 CH2 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 और Br. ये वुड्स रिएक्शन है बच्चों. अब हमने अगर एल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल लिए हैं तो सोडियम मेटल भी हम दो लेंगे, और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है. क्या निकल जाएगा, 2Na निकल जाएगा, 2NaBr, 2Na है और 2Br है, तो 2NaBr निकल जाएगा. ये दो मॉलिक्यूल रिपीट हो जाएंगे, है ना, दो मॉलिक्यूल क्या होंगे, रिपीट हो जाएंगे. अगर आप इस तरह से नहीं लिखना चाह रहे हैं तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. देखिए कैसे, पहले इसको लिख लो, CH3 CH2 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 Br, दो सोडियम मेटल ले लो, प्लस ये फिर से इसको एक बार रिपीट कर दो, Br, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा Br. है ना, CH2 और ये हो जाएगा CH3. इसके दो मॉलिक्यूल लिख लिया, क्या निकल जाएगा, बोलो, 2NaBr, ये 2NaBr निकल जाएगा. ठीक है, तो जब ये निकल जाएगा -2NaBr, जब 2NaBr निकल जाएगा बच्चों, तो क्या बचेगा बताओ, हमारा क्या बचेगा, हमारा बचेगा CH3. ठीक है, कितने CH2 है देख लो, 1 2 3 4 5 6 CH2 है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ, CH2 का होल 6
और यह सी एस थ्री, यही बनेगा। और प्लस क्या निकल गया, टू एन ए, टू एन ए बी आर, छः ये सात आठ, इसका मतलब यहाँ बन गया एन ऑक्टेन, नॉर्मल ऑक्टेन बन गया। चलिए अगला देखते हैं, ये तो पहला वाला था एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड का, अगर अपन यूज़ करेंगे इसका नाम है एन, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो हमको ये मिलेगा एन ऑक्टेन मिलेगा। चलिए दूसरा वाला यूज़ करते हैं, दूसरा वाला क्या है हमारा बोलो, सी एच थ्री हो गया सी एच, ये सी एच थ्री, ये सी एच टू बी आर, यहाँ डायरेक्ट कर देते हैं, इसके दो मॉलिक्यूल ले लें, इसके रिएक्शन किससे कर रहे हैं, टू एन ए से कर रहे हैं, वही वुड्स रिएक्शन है, ये बी आर, इसको फिर से रिपीट कर दें, ये हो जाएगा सी एच टू, ये हो गया सी एच, ये सी एच थ्री, और ये हो गया सी एच थ्री, यहाँ भी क्या निकल गया बच्चों, टू एन ए बी आर, ये दूसरा वाला आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड है ये। चलो यहाँ क्या होता है, यहाँ भी बच्चों निकल गया टू एन ए बी आर निकल गया। अब क्या बचा, बहुत ध्यान से देखिएगा क्या बचा आपका, ये बचा सी एच थ्री सी एच, ये बचा सी एच थ्री, ये सी एच टू, सी सी एच टू दो बार आएगा, पहले वाले का सी एच टू और ये दूसरे वाले का सी एच टू, सी एच, ये हो गया सी एच थ्री और ये हो गया सी एच थ्री। नाम बोलिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, अगर आप इसका आई पी एस सी नेम लिखे बच्चों, तो देखो मैं यहाँ पे आई पी एस सी नेम लिखता हूँ, वन टू थ्री फोर फाइव, तो नहीं सॉरी, वन टू ये थ्री और ये हो जाएगा फोर फाइव सिक्स। अब एक मिथाइल टू पर, एक मिथाइल फाइव पर है, तो हो जाएगा टू फाइव, टू फाइव डाइमिथाइल, टू फाइव डाइमिथाइल हेक्सेन, ये बन गया बच्चों टू फाइव डाइमिथाइल हेक्सेन। अब दिक्कत ये है कि ये कह रहे हैं कि यहाँ सी एट एच एटीन, अगर आप यहाँ गिने तो यहाँ भी सी आठ है और एच एटीन है, यहाँ भी आप गिने तो यहाँ पे भी कार्बन आठ है और एच एटीन है, लेकिन ये कह रहे हैं कि सी एट एच एटीन डिफरेंट फ्रॉम एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड उसको नहीं बनाता, तो अगर एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड उसको नहीं बनाता तो हमारा जो डी है वो ये हो जाएगा, क्योंकि ये कौन बना रहा है, ये हमारा बना रहा है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये हमारा आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बना रहा है, तो डी ये हो गया। अच्छा अब सुनिए, अब सुनिए, ये तो डी हो गया, अब अगर डी ये बना रहा है टू फाइव डाइमिथाइल हेक्सेन, डी जो है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बना रहा है, तो हमारा पहला जो कंपाउंड होगा वो हो जाएगा ये वाला होगा, ये नहीं होगा सी फोर एच नाइन बी आर, हमारा पहला कंपाउंड ये होगा। मैं इसको ब्लैक से लिखता हूँ, दिस विल बी अवर फर्स्ट कंपाउंड, ये हमारा पहला कंपाउंड होगा और ये हमारा डी होगा, डी। अब सुनिए क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, ए रिएक्टेड विथ एल्कोहलिक के ओ एच टू गिव कंपाउंड बी, ए एल्कोहलिक के ओ एच से रिएक्ट करके कौन सा कंपाउंड बनाता है, बी बनाता है। अब ए कौन सा था, हमने ए किसको फाइनल किया, हमने ए इसको फाइनल किया, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड को फाइनल किया। अब हम आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड की तीसरा और आखिरी स्टेप एल्कोहलिक के ओ एच से रिएक्शन कर रहे हैं, चलिए करते हैं भाई। चलिए आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड का फार्मूला क्या होता है, सी एच थ्री सी एच, हो गया सी एच थ्री सी एच टू बी आर, इसका नाम क्या है बोलो, आइसो आइसोब्यूटाइल आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, किससे रिएक्शन करवा रहे हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, जो कैसा है एल्कोहलिक है, आपको मालूम है एल्कोहलिक होता है तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन होती है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप से पहला कार्बन अल्फा, पहला कार्बन अल्फा और दूसरा कार्बन बीटा, हाइड्रोजन बीटा से निकलता है, तो एक के एक बी आर, एक के एक बी आर क्या निकल गया, ये निकल गया के बी आर प्लस के बी आर निकल गया, ब्लैक से लिखता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, एक के बी आर क्या निकल गया, ये निकल गया के बी आर, यहाँ का ओ एच और बीटा वाला एच, हमेशा एच बीटा से निकलेगा, तो ये निकल गया वाटर, ये निकल गया एच टू ओ। अब आपका बचा क्या, ये देखिए आपका क्या बचा, ये बचा सी एच थ्री, ये बचा सी, क्योंकि यहाँ से बच्चों हमने एच हटा दिया, सी से कौन जुड़ गया, सी से जुड़ गया सी एच थ्री, यहाँ सिंगल की जगह कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये हो जाएगा सी एच टू, इसका नाम हो गया टू मिथाइल प्रोपीन, क्या नाम हो गया इसका बच्चों, इसका नाम क्या हो गया, टू मिथाइल प्रोपीन, इसका नाम हो जाएगा बच्चों टू टू मिथाइल, टू मिथाइल प्रोपीन, ये कौन सा कंपाउंड हो जाएगा, सी। तो बच्चों ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, एक बार फिर से देख लीजिए, प्राइमरी एल्किल हैलाइड सी फोर एच नाइन बी आर है ए, अब ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, इन दोनों में से कौन सा होगा, हमने सोडियम मेटल से दोनों की रिएक्शन लिखवाई, दोनों की रिएक्शन लिखवाई, तो दोनों का जो मॉलिकुलर फार्मूला था हमारा आया सी एट एच एटीन, ये भी आया सी एट एच एटीन और ये भी आया सी एट एच एटीन, लेकिन ये क्या दे रहे हैं, डिफरेंट फ्रॉम एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड का आपको नहीं लेना है, तो
डिफरेंट इसको नहीं लेना है। तो चलिए हमारा जो डी था वो ये हो गया 2,5-dimethylhexane, ठीक है, ये डी है ना, CH18, ये हमारा डी आ गया। अब ये बना किससे, ये बना आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। तो आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब इसके हम रिएक्शन करवाएंगे KOH से, तो हमें 2-methylpropene बनेगा। तो ये आपका ए हो गया बच्चों, दिस इज ए, ये आपका ए हो गया एल्कोहलिक KOH बी, ये वाला जो आपका कंपाउंड है ये आपका बी हो गया। बी के बाद बच्चों रही बात किसकी, सी की, है ना, एच बी आर से रिएक्ट करके जो दे रहा है ना, एच बी आर रिएक्ट विथ एच बी आर टू गिव कंपाउंड सी, है ना, बी रिएक्ट विथ एच बी आर टू गिव कंपाउंड सी, है ना, ये हमें देखना है ना, टू गिव कंपाउंड सी। तो ये कंपाउंड सी क्या है बच्चों, इस सी कंपाउंड को हम देखेंगे, है ना, बी तो ये बन गया, अब हम सी कंपाउंड को देखेंगे। सी के लिए आपने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको सी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। सी में क्या होगा बच्चों, हम किसको लेंगे, इस वाले कंपाउंड को लेंगे, ये आपका स्टेप नंबर 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3, ये हो गया सी, डबल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, ये HBr से रिएक्ट करेगा, ठीक है, कौन सा एडिशन होगा, मार्क एडिशन, ये कौन सा एडिशन होगा बच्चों, ये होगा मार्कोनिक ऑफ रूल, मार्क एडिशन, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव कम वाले से जुड़ता है, पॉजिटिव ज़्यादा वाले से जुड़ता है, मार्क एडिशन लिख रहा हूँ। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा CH3 सी, ये हो जाएगा CH3, यहाँ भी आ गया CH3, और यहाँ पर आपका क्या जुड़ जाएगा बोलो, ये जुड़ जाएगा Br। तो आपका ए बन गया, आपका बी बन गया, ये कंपाउंड आपका सी कंपाउंड कहलाएगा। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा बच्चों 2-methyl 2-bromo 2-bromo propane। तो इस तरह से बच्चों हमारा ए भी हो गया, ये हमारा ए था, रही बात हमारे बी की, ये हमारा बी हो गया, रही बात सी की, ये हमारा सी हो गया, और आखिरी वाला डी है, ये हमारा डी हो गया। तो बच्चों ये जो क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे थोड़ा आपको अपना दिमाग लगाना है, ठीक है, पढ़ते जाइए एक एक स्टेप और उस हिसाब से करते जाइए, नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी हेलो एल्केन और हेलो एरीन का ही क्वेश्चन है बच्चों, और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करना है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है बच्चों। इसमें क्या दिया है इन्होंने, कोई एक कंपाउंड ए है जिसका मॉलिकुलर फार्मूला C4H9Br है, C4H9Br को हम प्राइमरी एल्कलाइड के फॉर्म में भी ले सकते हैं, सेकेंडरी के भी फॉर्म में ले सकते हैं, टर्शियरी के भी फॉर्म में ले सकते हैं। किससे रिएक्ट करता है, एक्वस KOH से रिएक्ट करता है, KOH से रिएक्ट करता है, और रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंपाउंड ए ओनली। भाई हमारे पास कितने कंपाउंड है, पहली कंडीशन में हमारे पास 2 कंपाउंड है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड कर रही है, केवल कंपाउंड ए पर डिपेंड कर रही है। इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन हुई, SN1 रिएक्शन, बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो रिएक्शन हमारी हुई ये SN1 रिएक्शन है। तिवारी सर आपको कैसे पता चला SN1 है, क्योंकि बच्चों दो रिएक्टेंट है और रेट ऑफ रिएक्शन केवल कंपाउंड ए पर ही डिपेंड कर रही है ना, डिपेंड्स ऑन कंपाउंड ए ओनली, ए मतलब इसी पर ही डिपेंड कर रही है, ठीक है। अच्छा, वेन अदर ऑप्टिकली आइसोमर बी रिएक्ट विद एक्वस KOH, दूसरा ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर है, कौन सा आइसोमर है, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर है, ये भी रिएक्ट कर रहा है KOH से, लेकिन इसकी रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड कर रही है, दोनों पर डिपेंड कर रही है, बी पे भी डिपेंड कर रही है, KOH पे भी डिपेंड कर रही है। तो पहले वाला पार्ट को हम पहले देखते हैं कि C4H9Br है और यहाँ पर ये A पे डिपेंड कर रहा है, ये A हो सकता है, A यही है, और आपको यहाँ पर अगर एक पे डिपेंड कर रहा है तो SN1 रिएक्शन है। बच्चों अगर आपको याद हो SN1 रिएक्शन है तो मैंने आपको ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताया था, SN1 रिएक्शन बच्चों ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होती है, ये होती है सबसे ज़्यादा स्टेबल 3 डिग्री होता है, उससे कम 2 डिग्री होता है, सबसे कम 1 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, इस C4H9Br को हम 3 डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, सी ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, और ये हो गया Br। इसका नाम क्या होगा बच्चों, इसका नाम होगा टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये होगा टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, या 2-methyl 2-bromo propane, आप इसका ये भी नाम लिख सकते हैं, अगर IPSC नाम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 2-methyl 2-bromo 2-methyl 2-bromo propane। चलिए ठीक है, ये हमने लिख लिया, ये SN1 का कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये SN1। देखो भाई हम इसको इसी फॉर्मेट में क्यों लिख रहे हैं, 3 डिग्री के फॉर्मेट में क्यों लिख रहे हैं,
इसलिए लिख रहे हैं बच्चों, ये 3 डिग्री बल्ब 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। ये जो है अगर आप कोई पूछे कि भाई ये कौन सा एल्किल हैलाइड है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये हमारा जो है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। और हमने इसको 3 डिग्री के फॉर्मेट में इसलिए लिखा क्योंकि ये SN1 रिएक्शन दे रहा है, केवल ए, ये ए है, ये हमारा ए है और ये SN1 रिएक्शन दे रहा है, इसलिए क्योंकि ए पे डिपेंड कर रहा है, एक ही पे डिपेंड कर रहा है। चलिए तो ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, अब दूसरा पार्ट देखते हैं भाई। दूसरे पार्ट में देख रहे हैं व्हेन अदर ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर बी, मतलब इसका वो एक ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर चाह रहे हैं बी, जो ऑप्टिकली एक्टिव हो। अब देखिए बच्चों, अगर आपको याद हो तो अगर हमको इसी का एक आइसोमर बी बनाना है जो ऑप्टिकली एक्टिव है, तो उसके अंदर केरल कार्बन एटम होना चाहिए। केरल कार्बन एटम क्या होते हैं, जिसकी चारों वैलेंसी जो है अलग अलग एटम या ग्रुप से जुड़ती है। चलिए बनाते हैं, देखते हैं, चलिए हम करके देखते हैं भाई। दूसरे पार्ट को हमने लिखा CH3, यहाँ लिखा CH2, ये लिखा CH, ये लिखा CH3 और ये लिखा BR। देखिए यही चीज़ है, C4H9Br, 1 2 3 4 C4H9Br। यहाँ देखिए 1 2 3 4 C4, 3 4 5 6 7 8 9 H9Br। यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है बच्चों, ये केरल है, तभी तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये देखो लिखा है ना, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर बी, ये बी है। ये वाला जो आपका जो कंपाउंड है, इसको 1 2 ऐसा ना लिख के, ये 1 लिख दिया, ये 2 लिख दिया, ये वाला कंपाउंड बी है। ये कैसा है, ये हमारा है ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। इसका नाम क्या हुआ था, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2-bromobutane है ना, इसका नाम होगा 2-bromobutane। अब ये कह रहा है कि इसकी जब हम KOH से रिएक्शन करते हैं, किससे रिएक्शन करते हैं, KOH से, तो जो कंपाउंड बनता है वो कौन सा कंपाउंड बनता है और इन दोनों में कन्वर्ट कौन सा होगा, तो ये किरल है। किरल वाला जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये किससे रिएक्ट कर रहा है, KOH से रिएक्ट कर रहा है। ये हो गया KOH, K होता है पॉजिटिव और OH होता है निगेटिव। इसका नाम क्या है बच्चों, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसेंट्रेशन ऑफ बोथ, बी पे भी डिपेंड कर रहा है, KOH पे भी डिपेंड कर रहा है। ये वाला कंपाउंड बी है और KOH पे भी डिपेंड कर रहा है, दोनों पे डिपेंड कर रहा है। चलिए इसका मतलब यहाँ पर जो रिएक्शन होगी हमारी सेकेंड कंडीशन में, वो कौन सी रिएक्शन होगी, वो होगी SN2 रिएक्शन। ये लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसी के ऊपर मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर जो हमारी रिएक्शन होगी बच्चों, वो होगी हमारी SN2 रिएक्शन। तिवारी सर कैसे पता चला SN2 होगी, क्योंकि इस पर भी डिपेंड कर रहा है, इस पर भी डिपेंड कर रहा है। चलिए इसका नाम बताइए क्या होगा, इसका अगर आप IPSC नेम लिखेंगे तो होगा 2-bromo-2-bromo-butane। ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्यों होगा, कार्बन देखो एक वैलेंसी इथाइल से जुड़ रही है पूरी, दूसरी वैलेंसी मिथाइल से जुड़ रही है, तीसरी वैलेंसी हाइड्रोजन से जुड़ रही है और चौथी वैलेंसी BR से जुड़ रही है, तभी तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है। और ऑप्टिकली एक्टिव जो सब्सटेंस होते हैं वो इन्वर्टेड कॉन्फिग्रेशन देते हैं। तो कौन देगा इन्वर्टेड कॉन्फिग्रेशन, बी देगा। कैसे, देखिए समझिए इस बात को, कैसे देगा, हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं CH3CH2, ये हो गया C, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3 है ना, यहाँ हो गया H, एक तरफ हमने जोड़ दिया BR, ये वाला BR, और एक तरफ हमने जोड़ दिया OH। भाई ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, लेकिन दोनों में सबसे पावरफुल न्यूक्लियोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल मतलब निगेटिव, सबसे ज़्यादा पावरफुल न्यूक्लियोफाइल ये वाला है, OH है, ये न्यूक्लियोफाइल है और इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अगर इन दोनों में लड़ाई होगी बच्चों, ये ट्रांजिशन स्टेट कहलाती है। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई ये कौन सी स्टेट कहलाएगी, तो आप बोलोगे भाई तिवारी सर ये कहलाएगी ट्रांजिशन स्टेट। बच्चों ये आपको डिटेल में कहाँ मिलेगा, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स के अंदर जो मैंने आपको मैकेनिज्म पढ़ाया है, SN1 SN2 मैकेनिज्म, वहाँ पर ये चीज़ आपको डिटेल में मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो ये हो गया आपके ट्रांजिशन स्टेट। अब जब हम यहाँ पर आगे चलेंगे बच्चों, तो क्या होगा, यहाँ पर होगा इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन। अब क्या होगा, देखो OH स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, BR वीकर न्यूक्लियोफाइल है, तो ये BR निकल जाएगा K के साथ, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा KBR, और यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, ये बच जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2 CH, ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा OH। इसको क्या बोलेंगे, 2-propanol, हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा, 2-propanol। तो हमारा जो क्वेश्चन था बच्चों कि C4H9 है, कंपाउंड ए है, एक्वस KOH से पहले रिएक्ट करता है, तो ये कंपाउंड आपका ए हो जाएगा, और ये जो है इसका कंसंट्रेशन केवल ए पे ही डिपेंड करता है, ए पे ही डिपेंड कर रहा है,
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? टर्शियरी होता है, थ्री डिग्री होता है। तो ये कार्बन तीन से जुड़ा है, तो ये थ्री डिग्री हमने ले लिया, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन ये था कि एक कंपाउंड है जो ए का ही आइसोमर है, ए का ही आइसोमर है और वो ऑप्टिकली एक्टिव है किंतु बी। तो देखिए ए का आइसोमर क्यों है, ये भी C4H9Br है और ये भी C4H9Br है, दोनों में ही आप गिन लीजिए C4H9Br है। ये ऑप्टिकली एक्टिव क्यों है, इस कार्बन की जो चारों वैलेंसी है वो अलग अलग एटम या ग्रुप से जुड़ी है, इथाइल से जुड़ी है, ये मिथाइल से जुड़ी है, तीसरी H से जुड़ी है, चौथी Br से जुड़ी है। लेकिन ये कह रहे हैं कि इनकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दोनों पे डिपेंड कर रही है, बी पे भी डिपेंड कर रही है, क्यूएच पे भी डिपेंड कर रही है, मतलब ये SN2 रिएक्शन है। और SN2 का आपको मालूम है ट्रांजिशन स्टेट बनती है और फिर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है, तो ये बन गया 2-propanol। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सीधे हमारे पेपर में 4 मार्क्स के आते हैं, नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों। बच्चों ये हमारा अगला क्वेश्चन है, इसी यूनिट का अगला क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप में ही है। राइट द स्ट्रक्चर एंड नेम ऑफ द कंपाउंड ए। एक कंपाउंड ए है जिसका मॉलिकुलर फार्मूला ये है, क्या है मॉलिकुलर फार्मूला, C7H18, मतलब C6 है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये रिंग नजर आती है। विथ मॉलिकुलर फार्मूला दिस, ट्रीटेड विथ क्लोरीन, क्लोरीन का साथ रिएक्ट किया है, इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, इसका मतलब FeCl3 देख के हमको हेलोजिनेशन की याद आ सकती है। अब आपका अगर हम इसको आंसर करें तो जो आपका ए कंपाउंड होगा बच्चों वो ये हो सकता है टोलुइन, बिल्कुल होगा, क्योंकि देखिए C6, अब C7 है तो 6 और 1 7 हो गया, और 5H ये और 3H1 8 हो गया। तो बच्चों ये जो हमारा कंपाउंड होगा ए, जो जिसको इन्होंने ए माना है, उस कंपाउंड का नाम हम लिख सकते हैं मिथाइल बेंजीन, या उस कंपाउंड का हम नाम लिख सकते हैं टोलुइन। किससे रिएक्ट करवा रहा है, ये रिएक्ट हो रही है क्लोरीन से, इसका नाम है क्लोरीन, किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट हो रही है बच्चों, FeCl3। आपको याद हो मैंने आपको हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स जब बताया था बच्चों, तो मैंने बताया था कि यहाँ पर जो हेलो एरिन्स और हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स होते हैं, एरोमेटिक जो हेलो एरिन्स होती हैं वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होती है। तो क्या होगा, देखिए AHHCl ये ऑर्थो मेटा पैरा, तो ये ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनाते हैं, AH और HCl क्या निकल गया बच्चों, माइनस HCl निकल गया, HCl बचा यहाँ जुड़ गया, ऑर्थो पे जुड़ गया, तो ये तुम्हारा CH3 हो गया, ये HCl ऑर्थो पे जुड़ गया प्लस। आगे क्या करिए, आगे ध्यान दीजिए, अब बेटा पैरा, अब पैरा देखिए AH और HCl निकल गया, घबराइए मत, जो आपने ऑर्थो से, अब ऑर्थो को भूल जाइए, पैरा देखिए AH HCl HCl निकल गया, अच्छा HCl बचा तो यहाँ जुड़ गया, तो ये हो जाएगा आपका CH3 और ये हो जाएगा Cl, इसका नाम क्या होगा, ऑर्थो क्लोरो टोलुइन। ये कंपाउंड क्या कहलाता है, टोलुइन, क्लोरो ऑर्थो पे जुड़ा है, तो इसको हम बोलेंगे ऑर्थो क्लोरो टोलुइन। यह क्या कहलाएगा बच्चों, ये कहलाएगा पैरा क्लोरो टोलुइन। और मैंने बताया था कि पैरा जो होता है वो हमेशा मेजर प्रोडक्ट होता है, ऑर्थो कौन सा प्रोडक्ट होगा बच्चों, माइनर प्रोडक्ट होगा, और जो पैरा होगा वो कौन सा प्रोडक्ट होगा, हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो बच्चों ये इसका आंसर हो गया कि जो स्ट्रक्चर है उस कंपाउंड का वो ये है, और उस कंपाउंड का अगर कोई हमसे नाम पूछे तो द नेम ऑफ दैट कंपाउंड विल बी मिथाइल बेंजीन और टोलुइन, है ना, कॉपी में नोट कर लीजिए बच्चों। बच्चों ये अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये हमारे एग्जाम में आ चुका है ना, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा, मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए हैं ये। हाइड्रोकार्बन ए विथ मॉलिकुलर फार्मूला C4H8, उस हाइड्रोकार्बन का मॉलिकुलर फार्मूला C4H8 है, इसका मतलब ये एल्कीन है, क्यों, CnH2n+CnH2n, है ना, आपने पढ़ा है ना एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है। भाई अगर आप इसका सॉल्यूशन करें तो एल्कीन का जो जनरल फार्मूला है, एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n, तो अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू 4 रखें तो क्या आ जाएगा, C4H8, इसका मतलब ये जो C4H8 है ये एल्कीन है, ये किससे रिएक्ट कर रहा है, HBr से रिएक्ट कर रहा है, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल परोक्साइड, और कौन सा कंपाउंड बना रहा है, बी बना रहा है ना, ये कंपाउंड कौन सा है, ये कंपाउंड ए है। तो बच्चों हमने पता कैसे लगाया कि C4H8 एल्कीन है, एल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n होता है, n की वैल्यू 4 रख दें तो C4H8 आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब ये रिएक्ट किससे कर रहा है, ये रिएक्ट कर रहा है आपके HBr से, इसका मतलब ये हमें इसे एसिमेट्रिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4, अगर हम यहाँ डबल बॉन्ड लगा देंगे, बाकी सिंगल लगा देंगे, तो ये जो है सिमेट्रिक एल्कीन हो जाएगा, और आपको मालूम है कि सिमेट्रिक एल्कीन के अंदर एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल या मार्कोनिक ऑफ रूल नहीं लगता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ डबल और बाकी सिंगल,
ये सी एस थ्री, दो और दो चार, तीन और एक चार, दो और दो चार, वन टू थ्री फोर, है ना, वन टू थ्री फोर, तो वन टू के बीच में छोटा वन है, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा ब्यूटीन, है ना, ये कंपाउंड ब्यूटीन हो जाएगा। इसकी किससे रिएक्शन हो रही है, HBr से हो रही है, सबको इसका नाम मालूम है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, है ना। HBr का नाम क्या होता है बच्चों बताओ, इसका नाम होता है हाइड्रोब्रोमिक एसिड, इसका नाम होता है। कोई दिक्कत बच्चों, इट्स नेम विल बी, बताइए क्या नाम होगा, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, बेंजोइल परऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। फार्मूला क्या होता है, C6H5CO2, अगर आप भूल गए तो यहाँ लिख दीजिए बेंजोइल परऑक्साइड। आपको मालूम है बेंजोइल परऑक्साइड का ये फार्मूला है जो मैंने लिखा है, ये इस इफेक्ट को मालूम है क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बोलते हैं, AM रूल मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ये पॉजिटिव है, बिल्कुल सही सर, ये नेगेटिव है। एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या होता है, नेगेटिव वाला ज़्यादा वाले से जुड़ता है और पॉजिटिव वाला कम वाले से जुड़ता है, एंटी मार्क एडिशन बताया था मैंने आपको। क्या हो जाएगा बच्चों, जब हम इसको लिखेंगे रिएक्शन, तो हमारी रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ H जुड़ेगा, यहाँ Br जुड़ेगा, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2, एक H जुड़ेगा CH2 डबल की जगह सिंगल, और CH2 से ये Br जुड़ जाएगा, ब्रोमोब्यूटेन। इसका IPSC नेम क्या होगा बच्चों, इसका IPSC नेम होगा ब्रोमोब्यूटेन। तो ये वाला जो आपका कंपाउंड है, ये कौन सा कंपाउंड कहलाएगा, ये कंपाउंड A होगा, और HBr से रिएक्शन करने के बाद जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो हमारा कंपाउंड B होगा। तो आपको बच्चों A भी मिल गया और आपको B भी मिल गया, A भी मिल गया, B भी मिल गया। अब B ऑन रिएक्शन विथ NaI गिव्स C, ये हमारा B है, इसकी किससे रिएक्शन हो रही है, NaI से। बच्चों आपको याद हो, जब भी मैं NaI का नाम लूँगा आपके जहन में कोई रिएक्शन आ रही है, याद करिए फिनकेलस्टीन रिएक्शन, हेलोजन एक्सचेंज मेथड, जो आपको मेरे सेगमेंट हेलो एल्केन और हेलोरिन में नेम रिएक्शन में मिलेगा। तो पहला वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, अब दूसरे वाले पार्ट में चलते हैं। ये ले लो CH3 CH2 CH2 CH2, तीन बार CH2 है वो देखिए, और इसके बाद Br है, है ना, ये कंपाउंड B है, ये हमारा कंपाउंड कौन सा था, B था, नाम लिखा हुआ है वहाँ पे, देखिए ये किससे रिएक्ट कर रहा है, NaI से रिएक्ट कर रहा है। ये रिएक्शन बच्चों होती है हमारी एसीटोन की प्रेजेंस में, और यदि आप इसका नाम लिखना चाहें इस रिएक्शन का, तो आप लिख याद कर लीजिए फिनकेलस्टीन रिएक्शन, मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा कि कौन सी रिएक्शन है। यहाँ पे क्या होता है बच्चा, इसकी टोपी उसके सर, ये वाला है आई इधर आ जाता है और ये Br यहाँ चला जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है ना, इसकी टोपी उसके सर। ये मालूम है आपको क्या नाम है, सोडियम आयोडाइड। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आई की जगह हम कोई भी दूसरा डिस्प्लेसमेंट नहीं ले सकते इसका, ये ज़रूरी है। चलिए अब क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा तुम्हारा CH3, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा आई, वो आई यहाँ चला गया, और ये तुम्हारा बन जाएगा NaBr। ये जो तुम्हारा कंपाउंड बना है NaI के साथ, है ना, इसका नाम हो जाएगा आइडोब्यूटेन, 1 2 1 2 3 4, ब्यूटेन और आइडो है, अगर आप इसका IPSC नेम लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा आइडोब्यूटेन, और कॉमन नाम लिखेंगे तो ब्यूटाइल आयोडाइड। चलिए अब क्या है, कंपाउंड ए ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स प्रोपेनल एंड मिथेनल। ए बताओ भाई आपका ए कंपाउंड कौन सा है, तिवारी सर ये हमारा कंपाउंड ए है ब्यूटीन। चलिए तीसरे पार्ट में चलते हैं और आखिरी पार्ट में चलते हैं। ये हो जाएगा CH3, ये हो गया CH2, ये हो गया CH डबल बॉन्ड CH2। इस कंपाउंड का नाम क्या है तिवारी सर, ब्यूटीन है। कौन सा कंपाउंड है, इसका हम ओजोनोलाइसिस करवाते हैं, है ना, ए का हम ओजोनोलाइसिस करवाते हैं। बच्चों आप याद करिए, मैंने आपको पढ़ाया था ओजोनोलाइसिस, एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ाया था, ओजोनोलाइसिस से एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। ओजोनोलाइसिस में क्या होती है बच्चों, मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ यहाँ पे, जो मैंने आपको वहाँ समझाया था डायरेक्ट मेथड। ओजोन से रिएक्शन होती है और ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2, है ना, एंड जिंक की प्रेजेंस में हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो ये इसकी कंडीशन है ओजोनोलाइसिस की, ओजोन से रिएक्शन होगी और CH2Cl2 और जिंक H2O से रिएक्शन होगी। आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, मैंने आपको एक शॉर्ट तरीका बताया था, याद करिए शॉर्ट तरीका क्या है, कोई बच्चा याद है किसी को शॉर्ट तरीका, देखिए मैं आपको शॉर्ट तरीका बताऊं। आप कुछ मत करिए, इसको तोड़ दीजिए, सिंपली इस बॉन्ड को तोड़ दीजिए, एक ऑक्सीजन यहाँ जोड़ दीजिए, एक ऑक्सीजन यहाँ जोड़ दीजिए, कोई टेंशन नहीं। कभी भी डबल बॉन्ड का ओजोनोलाइसिस करवाना है, डबल बॉन्ड वाले की ओजोन से रिएक्शन कर दीजिए, कंडीशन याद रखिए, डबल बॉन्ड को तोड़ के एक ऑक्सीजन इधर लिख दीजिए, एक ऑक्सीजन इधर लिख दीजिए, बात खत्म। चलिए बोलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा CH3,
CH2 बॉन्ड लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, बात एक ही है, और ये हो जाएगा CHO। अब नाम देखिए, 1, 2, 3 प्रोप, प्रोप का आयन बनाया प्रोपेन, और CHO को बोलते हैं अल, इसका मतलब ये हो गया प्रोपेनल। देखिए यहाँ पे प्रोपेनल, ये प्रोपेनल है। अच्छा दूसरा CH2O, क्या बच्चों हम CH2O को ये नहीं ले सकते SCHO? भाई हम क्या कर रहे हैं, जब हम क्लीवेज कर रहे हैं तो एक ऑक्सीजन यहाँ जोड़ रहे हैं, एक ऑक्सीजन यहाँ जोड़ रहे हैं, तो यहाँ जब जोड़ेंगे तो CH3, CH2, CHO, ये आ गया प्रोपेनल। यहाँ जोड़ेंगे तो बोलो CH2O है, क्या हम CH2O को HCHO नहीं ले सकते? ले सकते। कितना कार्बन है? एक कार्बन है। मैथ का एन बनाया, क्या हो जाएगा? मीथेन। और CHO को क्या बोलते हैं? अल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? इसका नाम हो जाएगा मिथेनल। तो कितनी बढ़िया ये क्वेश्चन था हमारा कि कोई कंपाउंड ए है जो एल्कीन है, C4H8 है, HBr से रिएक्ट करता है, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल हो गया क्योंकि बेंजोइल परऑक्साइड है, तो ये प्रोडक्ट बन गया। फिर ये कह रहा है कि जो बी बना, इस बी की हम NaI से रिएक्शन करेंगे तो फिनकेस्टीन रिएक्शन है, हैलोजन एक्सचेंज मेथड है, इसकी टोपी उसके साथ, तो आइडोब्यूटेन बन गया। फिर ये कह रहा है कि जो कंपाउंड ए है, अगर हम इसका ओजोलाइसिस करेंगे तो ये दो कंपाउंड देता है, एक प्रोपेनल देता है, एक मिथेनल देता है। तो आप देखिए, ये प्रोपेनल हो गया, ये मिथेनल हो गया। तो बच्चों, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों, चलिए नोट कर लिया। अच्छा यहाँ पे सी मिसिंग है, तो देखिए ये सी मिसिंग है ना हमारा, तो बी विच ऑन रिएक्शन विद NaI गिव सी, तो बी ऑन रिएक्शन विद NaI गिव सी, ये आपका सी है। तो ए आपका हो गया ब्यूटीन, बी आपका हो गया ब्रोमोब्यूटेन, सी आपका हो गया आइडोब्यूटेन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए बच्चों। बच्चों ये अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कि एन ब्यूटेन, एक कंपाउंड एन ब्यूटेन जिसकी फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, मतलब लाइट में रिएक्शन होती है ना, गिव्स अ मिक्सचर ऑफ टू आइसोमेरिक क्लोराइड। अब इसकी अगर फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है और ये क्लोराइड देता है, तो इसका मतलब इसकी रिएक्शन क्लोरीन से होगी। ठीक है, अब इन दोनों में कौन मेजर है कौन माइनर है, ये वो कह रहे हैं कि दोनों में ए जो बनेगा वो मेजर बनेगा, मेजर ब्यूटाइल क्लोराइड होगा, और जिसकी वुड्स रिएक्शन होगी सोडियम से, और वो कंपाउंड सी बनाएगा। आप ए बी और सी को सॉरी आइडेंटिफाई करिए। चलिए आंसर देखते हैं बच्चों। सबसे पहले तो ये देखें कि एन ब्यूटेन की क्लोरीन से रिएक्शन होती है तो क्या होता है। देखिए, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, ये CH3, ये CH2, ये CH2, ये CH3, इसकी रिएक्शन क्लोरीन से हो रही है। H न्यू बोलते हैं बच्चों जब कोई रिएक्शन लाइट में होती है, जब इसकी लाइट में रिएक्शन होगी तो एक बार वन से होगी, एक बार दो पे होगी, दो प्रोडक्ट बनते हैं बच्चों। पहले वन पे जोड़ दें, वन पर जोड़ेंगे तो ये बनाएगा CH3। चलिए थोड़ा सा शॉर्ट कर लें क्योंकि जगह हमें चाहिए ज़्यादा वहाँ पे। इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट, एच न्यू लाइट की प्रेजेंस में होती है, तो हो जाएगा CH3, CH2, CH2, और ये HCl निकलेगा ना। पहले तो ये वाला एच और ये CL निकाल दो, तो ये CL यहाँ जाएगा, 1, 2, 3 और CH2Cl, एक ये बन गया। बॉन्ड लगा दो तो भी सही है, नहीं लगाओ तो भी सही है। इसका नाम होगा 1-chloro-butane, इसका नाम होगा 1-chloro-butane। अच्छा, प्लस दूसरा जो आइसोमर बनेगा वो बनेगा CH3। अच्छा, ये कह रहे हैं पहले वाले को ये स्टेबल कर रहे हैं, तो अगर पहले वाले को स्टेबल कर रहे हैं ना बच्चों, तो पहले वाले को अपन 2 बनाएं, CH3CH। देखिए यहाँ से H, दूसरे भाई पहले वाले को अपन, पहला हमारा मेजर है ना, ए वाला हमारा मेजर है, तो ए हमें 2 वाला बनाना पड़ेगा क्योंकि सेकेंड वाला बच्चों हमारा मेजर होता है। तो एक H एक CL निकल गया, तो एक CL यहाँ आ गया, ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH3। इसका नाम हो जाएगा बच्चों 2-chloro-2-chloro-butane, और ये हमारा बनेगा A, ये हमारा A बन गया। अच्छा, प्लस दूसरा क्या बनेगा भाई, प्लस दूसरा हमारा क्या बनेगा, 1। अब यहाँ से निकला था, अब ये वाला H और ये वाला CL, HCl निकल गया, तो क्या बनेगा CH3CH2CH2CH2Cl, 1 पे क्लोरो है, तो इसका नाम हो जाएगा 1-chloro-butane। ये वाला हमारा बनेगा B, ये हमारा बनेगा B। एक क्वेश्चन कि तिवारी सर, इसको आपने क्यों नहीं पहले पे बना दिया, इसको दूसरे पे बना लेते, क्योंकि हमें पहला वाला जो है A जो हमें वो मेजर चाहिए, और मेजर कौन होता है, 2-chloro-butane, ये मेजर प्रोडक्ट होता है क्योंकि जब रिएक्शन होती है तो इसका फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, ये माइनर होता है, इसका फॉर्मेशन कम होता है। ठीक है, और ये क्या है, ये तो सबको मालूम है, ये एन ब्यूटेन है, तो हमारा ए बन गया, बी बन गया। अब क्या बोल रही है कि जो मेजर ब्यूटाइल क्लोराइड है, ये भी ब्यूटाइल क्लोराइड है, ये भी ब्यूटाइल क्लोराइड है, दोनों ब्यूटाइल क्लोराइड है,
तो ये कह रहे कि जो मेजर ब्यूटाइल क्लोराइड है ये वुड्स रिएक्शन करता है सोडियम से, मेजर वाला ये है, चलो वुड्स रिएक्शन करवा दें इसकी, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH2। चलो इसको ऐसा लिख देते, ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, दूसरा पार्ट चलते। अब अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या बच्चों, CH3CH2CHCl सिंगल बॉन्ड CH3, देखिए है ना, CH3CH2CH3CH2CH, ये Cl आ गया, ClCH3। वुड्स लिखनी है, इसके दो मॉलिक्यूल ले लें और दो मॉलिक्यूल अपन सोडियम के ले लें। चलिए किसकी प्रेजेंस में लिखते हैं, ड्राई इथर की प्रेजेंस में हम लेते हैं। अब क्या होगा बच्चों बताओ, दो सोडियम, ये कौन सा मेटल है तिवारी सर, ये सोडियम मेटल है, ये कौन सा हेलो एल्केन है बताइए, 2-chloro-propane है, 1, 2, 3, 4, 2 पे क्लोरो जुड़ा है, तो ये क्या हो गया, 2-chloro-propane है, कौन सा वाला, ए वाला है, स्टेबल वाला है। अब क्या होगा बताइए, 2 Na 2 Cl क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा प्लस, 2 NaCl निकल गया, बचेगा क्या, इसके दो मॉलिक्यूल बचेंगे जो आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये होगा CH3CH2CHCH3, एक मॉलिक्यूल तो ये हो गया। ऐसा ही एक टुकड़ा दूसरी तरफ जोड़ दीजिए, ऐसा ही एक टुकड़ा दूसरी तरफ जोड़ दीजिए, तो क्या होगा CH, ये हो जाएगा CH3, ये होगा CH2CH3। चलिए इस कंपाउंड का नाम बताइए, चलिए IPSC नेम लिखते हैं, बोलिए क्या होगा इस कंपाउंड का नाम बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 है तो हेक्सेन, एक मिथाइल 3 पर है, एक मिथाइल 4 पर है, तो बच्चों इसका नाम होगा 3,4-dimethyl hexane। ये कंपाउंड कौन सा है हमारा, C। तो बच्चों हमारा A कंपाउंड हो गया, हमारा B कंपाउंड हो गया, हमारा C कंपाउंड हो गया। बच्चों इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और यहाँ पर थोड़ा रुक करा ना, जो जो आपने प्रीवियस नॉलेज है ना, आपके प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से ही आपको इसको करना है। तो ये जो भी मैंने क्वेश्चंस बताए बच्चों, दैट विल बी वेरी यूजफुल फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसको करिएगा, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। तो ये केवल मैंने आपको बताया अभी हेलो एल्केन और हेलो एरीन में, अगले सेगमेंट में बच्चों मैं आपको बताऊंगा अल्कोहल, फिनोल और ईथर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, कोई दिक्कत, चलिए ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों।